तो दोस्तों, आज फ्रांस की तरफ से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है और एक बार फिर से भारतीय पायलटों ने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करके। दरअसल आप सभी को बता दूं कि भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में इस समय बलोन नाम की एक्सरसाइज हो रही थी और इस एक्सरसाइज के अंदर भारत के नौसेना के पायलटों ने फ्रांसीसी नौसेना को भी हैरान कर दिया। दरअसल आप सभी को बता दूं कि इस समय फ्रांसीसी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का MiG-29 के फाइटर जेट रफाल मरीन के साथ इस एक्सरसाइज के अंदर जोरों शोरों से प्रदर्शन कर रहा है और इसी एक्सरसाइज के दौरान भारतीय नौसेना के MiG-29 के ने एक अजीबोगरीब करतब कर दिया, जिसको देखकर फ्रांसीसी नौसेना वाले भी हैरान हो गए। दरअसल आप सभी को बता दूं कि फ्रांसीसी नौसेना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है चार्ल्स डी गॉल, उसके ऊपर हमारे भारतीय नौसेना के MiG-29 के ने अचानक से मॉक लैंडिंग कर दी, परंतु यह लैंडिंग ऐसी हुई कि MiG-29 के जो पहिए हैं वो चार्ल्स डी गॉल की सरफेस को टच ही नहीं कर पाए और भारतीय नौसेना के पायलटों ने करतब दिखाते हुए MiG-29 के को बिना लैंडिंग कराए ही एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करा दिया। और यह जो क्षमता है जिसका प्रदर्शन भारतीय नौसेनाओं ने किया है, इससे फ्रांसीसी नौसेना के जो पायलट हैं वो भी हैरान हो गए हैं, क्योंकि भारत का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इसकी जंप वाला है और इसमें हमारे जो MiG-29K हैं वो इसकी जंप के माध्यम से ही टेक ऑफ करते हैं। यानी MiG-29K है वो गुलेल की तरह फेंकने वाले सिस्टम यानी कैटापोल असिस्टेड सिस्टम के माध्यम से टेक ऑफ नहीं कर सकता है, परंतु फिर भी चार्ल्स डी गॉल के ऊपर भारतीय नौसेना के पायलटों ने अपनी मॉक लैंडिंग करके अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर दिया है और इसी कारण से भारतीय नौसेना के पायलटों की प्रशंसा आज फ्रांस की नेवी भी कर रही है। फिलहाल में आप सभी को क्या लगता है, और क्या भारत के पायलट भी नाटो स्टैंडर्ड के पायलटों के जैसे अपने फाइटर जेटों को उड़ा सकते हैं या फिर उनसे बेहतर? कमेंट बॉक्स में फिर आवाज़ दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।